लखीमपुर संघटित अपहरण कांड सन्दर्भ आरक्षी अधीक्षक संबदम सम्बोधन लखीमपुर विगत समय संघटित ताक अपहरण कांड सन्दर्भ आरक्षी अधीक्षक अर्पणा नटराजन संबदम सम्बोधन संबदम लखीमपुर भीमपरार अपहृत किशोरीगर शेहतिया तथ्य प्रकाश करते आरक्षी अधीक्षकगर अरुणाचल कोरों कमांगर किशोरीगर उद्धार आरक्षी ग्रेप्तार करते दु अपहरणकारी अपहरण समय व्यवहार कर एल्टो वाहन उद्धार कर सक्षम से लखीमपुर आरक्षी 1,20,000 टकत अपहरणकारी बिक्री किशोरीगर संबदम तदंतर खातिर अपहरणकारी नाम और फटो सदरी करत थके आरक्षी अधीक्षकगर यह संबदम 2021 और 2023 वर्ष संघटित आन दूटा अपहरण कांड सन्दर्भ व्याख्या कर आरक्षी अधीक्षकगर नारायणपुर और शिलनीबारीर अपहृत एगी महिला और एटी किशोरक उद्धार कार्य सन्दर्भ मंत्य आगे आरक्षी अधीक्षकगर 30 अप्रैल को एक घटना हुआ था। खबर मिलने के बाद ये एकदम एक ब्लाइंड अबडक्शन था। कोई एक अनजान गाड़ी आके उनको बोला कि उनको मेडिकल में छोड़ देंगे, तो लिफ्ट देने के हिसाब से मिनिमम बाड़े में उनको छोड़ देंगे करके उनको गाड़ी में उठाया। तो जब हल्ला किया उनको अपर जूमी अरुणाचल में अपर जूमी में उतार दिया था। तो वहाँ गाँवगुड़ा को कांटेक्ट करके जो दादी माँ है कैसे भी करके वापस यहाँ आए और बोगी नदी थाने में रिपोर्ट किया। और जो दादी माँ ने हमें गाड़ी का डिटेल्स बताया वो अरुणाचल प्रदेश में जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है सबको रात को ही पहुँचा दिया था। और काफ़ी सारा टेक्निकल एनालिसिस इसमें हुआ और रास्ते में जितना भी CCTV फुटेजेस वगैरह है सब चेक किया गया। उसके बाद 2 दिन पहले एक वहीं से किसी से एक खबर घर वाले को मिला कि ये लड़की संग्राम करके एक जगह में कुरुंगकुमे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उनके पास कोई दुकान में काम पे रखा गया है। जब हमारे पास ये खबर आया हम तुरंत SP कुरुंगकुमे के साथ कांटेक्ट किए और उनका पूरा डिटेल्स बताया गया। जो लोकेशन हमें बताया गया वो संग्राम थाने के एकदम नज़दीक था। तो अरुणाचल प्रदेश पुलिस इसमें काफ़ी हमारे साथ सहयोग किए हैं एंड हम इसमें कामयाब हुए वो लड़की को रिकवरी करने के बाद। यस्टरडे